दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 9 नवंबर 2022 आज के लव राशि फल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों आज का लव राशि फल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आज चंद्रमा सुबह 8 बजे तक मेष राशि में, तत्पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कृतिका नक्षत्र के चंद्रमा रहेंगे जो कि सूर्य का नक्षत्र है। किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आज के चंद्रमा, आइए जानते हैं। बात करेंगे राशिफल की। राशिफल में हम बात करते हैं सबसे पहले राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन विशेष रूप से आप किसी से बातचीत करना चाहेंगे तो वो आपसे आसानी से बातचीत करेगा, वो आपसे प्रभावित हो जाएगा। आज के दिन अगर आप किसी से बातचीत करते हैं, खास करके सुबह या दोपहर के वक्त में, तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा देखेंगे जैसे कि उस व्यक्ति में उसके व्यक्तित्व में अपने आप को देख लिया हो, आपका आपके सामने कोई प्रतिबिंब आके खड़ा हो गया हो, तो बहुत अच्छा लगेगा उससे बात करके। हो सकता है कि वो आपके लेवल का भी ना हो, चाहे वो एज से हो या आपके पारिवारिक व्यक्तित्व से या किसी भी प्रकार से आप सामाजिक तरीके से आपके लेवल का ना हो, तब भी आप उससे उसका नंबर मांग लें या उससे बातचीत करने लगें, उससे डेट करने लगें या उससे दोस्ती कर लें। ऐसी स्थिति आज बन सकती है कि आपको खुद ही विश्वास ना हो कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं या क्यों कर रही हूँ मैं। आज के दिन लव लाइफ में देखा जाए तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे, चिड़चिड़ाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ देना चाहेंगे, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएंगे आज के दिन। वजह भी कुछ ऐसी होंगी क्योंकि आपकी वाणी बहुत कठोर हो जाएगी, वाणी में ईगो बहुत आ जाएगा, क्लियर कट बात करेंगे जिससे पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है। और पार्टनर के कहीं भी स्थिति अगर ऐसी होती है, आपके जरिए से वो हर्ट भी हो जाता है, आपकी बातों से हर्ट हो जाता है, आपसे उसे तकलीफ मिलती है, तो आपको उसका एहसास नहीं होगा, लेकिन जब एहसास होगा तब पार्टनर नाराज हो चुका होगा। आज के दिन बहुत ज़्यादा आपकी खुद की व्यवहार की स्थिति खराब होगी। अगर आप अपने पार्टनर से मुलाकात करने जा रहे हैं या करने वाले हैं आज के दिन, तो भूल से भी ना करें। पहली बात, यहाँ पर मुलाकात की स्थिति बिल्कुल भी कैंसिल कर दें, क्योंकि आप जिस तरीके से मुलाकात करने जा रहे हैं वो तरीका बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि जल्दबाजी में या किसी प्रकार से जल्दबाजी में प्लानिंग आप कर रहे हैं, एकदम अचानक से निर्णय लेना चाहते हैं, वो आपके लिए हानिप्रद हो सकता है। आज के दिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की आपको याद इसलिए आ सकती है क्योंकि बहुत सारी उसके द्वारा किए हुए आपके लिए कुछ भी कार्य आपको सामने आ सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे फायदे जो आपके पार्टनर के द्वारा मिले थे वो आज आपके सामने आ सकते हैं। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की याद आएगी और उससे बातचीत करने का मन करेगा, लेकिन आज बातचीत ना करें क्योंकि वहाँ पर वो किसी और को डेट कर रहा है, किसी और व्यक्ति के साथ में इंगेज होना चाहता है या जुड़ चुका है। अगर आप मैसेज करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप तो बुरे और बन जाएंगे क्योंकि वहाँ पर उसका आप काम खराब कर देंगे। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा केयर मिलेगी, बहुत ज़्यादा पार्टनर काफ़ी अच्छा व्यवहार करेंगे आपके साथ में, उनका तरीका, उनकी फैमिली की भी बात करने का तरीका काफ़ी अच्छा होगा, जिससे आपका दिन तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्स्ट्रा अफेयर में आज का दिन बहुत बुरा है। यहाँ पर हर बात में, उनकी हर नाकामयाबी पर आपको ही दोष दिया जाएगा, हर तरीके से आप ही परेशान होने वाले हैं, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों सिंगल हैं तो आज का दिन आपको किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर कर देगा। ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद ना हो उसके बावजूद भी पसंद करना पड़े, ऐसी स्थिति भी आपके सामने आ सकती है।
लव लाइफ में आपके पार्टनर आपके साथ में कुछ वादा कर सकते हैं, कोई कमिटमेंट दे सकते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बातचीत होगी लेकिन अकड़ में होगी। मैरिड लाइफ में कलेश बहुत होगा, मतभेद बहुत होंगे, आज एक भी बात आप उनकी मानेंगे नहीं और वो जबरदस्ती या जिद करते रह जाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर से मुलाकात हो सकती है अचानक से, कुछ मुलाकातें अचानक से होती हैं, वो आश्चर्य दे जाती हैं, आश्चर्य होता है मुलाकातों का, और बहुत सारे झूठ भी सामने आ जाते हैं। ये उन्हीं में से एक मुलाकात होगी जिसमें आपके पार्टनर कुछ घंटों पहले ही आपसे कुछ झूठ बोल रहे होंगे और वो झूठ उनका आप पकड़ लें, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों सिंगल हैं तो सुबह सुबह आपका थोड़ा सा मूड खराब रहेगा, लेकिन दिन आपका तब अच्छा बन जाएगा जब एक अच्छा व्यक्ति आपसे बात करने लगेगा, जिससे आप बात करना चाहते हो वो आसानी से आपको मिल जाए, तो आपको इससे अच्छी खुशी दूसरी कोई नहीं दिखती। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है, लव लाइफ में बहस करने से बचना है बस। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैरिड लाइफ में आज के दिन अगर कोई किसी प्रकार से विवाद हो जाए उसे सुलझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये विवाद आपको बहुत दूर तक बहुत बुरा हाल कर देगा आपका। एक्स्ट्रा अफेयर में दिन सामान्य है, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन डेट पर भी जाएंगे, आज के दिन लव लाइफ में बहुत सारी खुशियां भी पाएंगे, और सबसे अच्छी बात है कि आप अपने पार्टनर को जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलेंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आज आपको गिफ्ट दे करके मना सकते हैं आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो आज ब्लॉक से खोल देंगे। मैरिड लाइफ में अचानक से पार्टनर की बहुत सारी पुरानी गलतियां, पुरानी बुराइयां आपको याद आने लग सकती हैं, जिस वजह से ओवर थिंकिंग करके मन परेशान रहेगा। कुछ बातें आपको अपने पार्टनर के साथ शेयर जरूर करनी चाहिए जिससे आपका मन हल्का हो जाए। एक्स्ट्रा अफेयर में आज के दिन ज़्यादा इमोशनल होना आपको बहुत बुरा धोखा दिला सकता है, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों सिंगल हैं तो आज दिन सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर इग्नोर करेगा, ब्लॉक कर सकता है, ब्रेकअप हो सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपमान बहुत होगा। मैरिड लाइफ में आज के दिन पार्टनर जानबूझ करके आपसे दूर भागेगा, कुछ क्लियर बातें भी कह सकता है जिससे आपको बड़ा दुख होगा, वो बातें आपको एक तरह से आपका दिल तोड़ दें। एक्स्ट्रा अफेयर में झगड़े की विवाद की वजह आप खुद हो सकते हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, और नए रिश्ते में अगर प्रवेश कर रहे हैं तो अपनी खास करके पास्ट की चीज़ें या अपनी बुराइयाँ इन्हें छिपाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने आप में तारीफ करना आपको पसंद है, वो तारीफ आप पे भारी पड़ सकती है, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों। कन्या राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर भी जाएंगे, आज के दिन लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, पार्टनर इमोशनल भी होगा और अपनी फैमिली से बात भी करवा सकता है। अगर फैमिली से बात हो गई या शादी को लेकर के भी चर्चा हो सकती है, फैमिली हाँ कर सकती है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति सामान्य है। मैरिड लाइफ में आज के दिन आपके पार्टनर अपनी फैमिली की बहुत तारीफ कर रहे होंगे, अचानक से आप कुछ मजाक करेंगे और मजाक में झगड़ा हो जाएगा, झगड़े की वजह मजाक होगा, आज मजाक मत कीजिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपका ज़्यादा बोलना आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके रिश्ते के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कम बातचीत करें तो दिन बहुत अच्छा है, और आज के दिन अगर आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों सिंगल हैं तो आज दिन सामान्य है। लव लाइफ में ब्रेकअप तय है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में झगड़े की बहुत ज़्यादा स्थिति दिख रही है, झगड़ा हो सकता है कोर्ट कचहरी तक ले जाए, धमकी दिलाए या किसी प्रकार से कोई आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बने। मैरिड लाइफ में आज के दिन आप अपने पार्टनर की जासूसी करेंगे तो बहुत बुरा झगड़ा हो जाएगा, उन पर शक मत कीजिएगा, वो गलत कर रहे हैं फिर भी उनको नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि वो गलती जो कर रहे हैं वो किसी के दबाव में आकर के कर रहे हैं, और आप बीच में कुछ करेंगे तो उसका गुस्सा भी आप पर निकल जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिन बहुत अच्छा है, लेकिन थर्ड पार्टी से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन सामान्य है। लव लाइफ में शादी आपकी पार्टनर के साथ में फिक्स हो सकती है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आज के दिन आपके पार्टनर की शादी फिक्स हो सकती है कहीं।
मैरिड लाइफ में आज के दिन आपके पार्टनर बहुत सारी पुरानी बातों को लेकर के बहस कर सकते हैं और आपकी भी कुछ गलतियां निकालते हुए नजर आएंगे और आप दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति झगड़े का डर भी पूरे दिन बना रहेगा कि कब झगड़ा ना हो जाए या ये झगड़ ना जाए। एक्स्ट्रा अफेयर में बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव आपका आपके पार्टनर को आपसे दूर करवा सकता है, आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं आपके पार्टनर, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए देखा जाए यहाँ पर विशेष रूप से स्थितियाँ बन रही हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में फंसने वाले हैं जहाँ आप अपनी करियर, अपनी लव लाइफ, अपने हर तरीके से अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बर्बाद करने वाले हैं। मैरिड लाइफ, लव लाइफ में आज के दिन थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम पड़ जाएगी, कलेश भी घर में होगा और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी आपको, आपके पार्टनर को हो सकती है। आज के दिन एक्स्ट्रा अफेयर में दिन सामान्य रहेगा, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों सिंगल हैं तो दिन बहुत अच्छा है, लव लाइफ में पार्टनर से प्यार मिलेगा, पार्टनर प्यार का इजहार करेगा, आज के दिन आपको कोई गिफ्ट उपहार देगा या आपको डेट पर ले जा सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति बहुत अच्छी है। मैरिड लाइफ में आज के दिन झगड़े की, जो कलेश की स्थिति दिख रही है, उसे आप सुबह सुबह अपने अच्छे मूड से ख़त्म कर देंगे। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा, काफ़ी व्यवहार अच्छा होगा और हो सकता है कि बहुत सारे सरप्राइज आपके लिए प्लान करें। आज के दिन आपको बड़ा गिफ्ट भी दें या आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन बहुत ख़राब है, यहाँ पर बच के रहें, ये स्थिति। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो यहाँ पर स्थितियाँ खराब हैं। सिंगल हैं तब भी खराब है, ज़्यादा इमोशनल होकर किसी के पीछे पड़ेंगे और वो आपको धुतकारेगा। लव लाइफ में भी अपमान बहुत होगा, आपके इमोशन आपकी फीलिंग्स से पार्टनर खिलवाड़ करेगा। मैरिड लाइफ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति कलेश की बन रही है, बहस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कहीं विदेश यात्रा हो सकती है पार्टनर के साथ में, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं, लव लाइफ में पार्टनर से प्यार मिलेगा, दोस्तों से लव लाइफ में बहुत सपोर्ट मिलेगा। आज अगर अपने दोस्त को, किसी को अपने पार्टनर से बात करवा रहे हैं तो उससे आपकी लव लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी, बिगड़ेंगी नहीं। मैरिड लाइफ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके हंसी मजाक से माहौल खराब हो सकता है। हंसी मजाक ना करें, सीरियस बात करें और मैच्योरिटी से बात करें तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सुलझ सकती हैं, समझ सकती हैं। एक्स्ट्रा अफेयर में जितना आप अकड़ दिखा रहे हैं उतनी अकड़ से आपका रिश्ता नहीं चल सकता है, थोड़ा सा आप अपनी अकड़ कम कीजिए तो रिश्ता बहुत अच्छा चल सकता है। हंसी मजाक बहुत होगा और काफ़ी हद तक आपकी यात्रा के भी या मुलाकात के भी चांसेस बन रहे हैं, ये स्थिति है। दोस्तों आज के लव राशि फल के, अगर आपको आज का लव राशि फल पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।